सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में सिंध में गुजीदगी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत का बल्दिया रेवेन्यू और पुलिस अफसरान की सरगजीदगी के वाकयात और कुत्तामार मुहिम की रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद। म्यूनसिपल अफसरान कुत्तामार मुहिम चलाने में नाकाम रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच की जानिब से ये कहा गया, वाकया पेश आए तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल अफसर की तनख्वाह बंद करके उसे सरप्लस करे। जिस इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आए वहाँ का MPA मुअत्तल किया जाए। अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। मुअत्तल MPA सेनेट इंतखाबात में वोट भी नहीं दे सकेगा। सरगजीदगी के वाकयात से MPA का कोई ताल्लुक नहीं है। सरकारी वकील की जानिब से ये कहा गया, हमें पता है कुत्तामार मुहिम के फंड्स में किसे कमीशन दिया जाता है, मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अवाम का तहफ्फुज़ करना MPA का फ़र्ज़ है। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। नुमाइंदा कैपिटल TV इमदाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इमदाद बताइएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट का आज बड़ा फैसला हुआ है। जिस इलाके में कुत्ते के काटने के वाकया पेश आएगा उस इलाके का MPA मुअत्तल होगा और वो सेनेट इंतखाबात में वोट भी नहीं दे देगा। आज सिंध हाई कोर्ट बेंच के डबल बेंच ने सिंध में संघ गुजरात के बढ़ते हुए वाकया के खिलाफ दाखिल आईनी पिटीशन की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत आलिया ने सिंध भर में बल्दिया रेवेन्यू और पुलिस अफसरान की जानब से संघ गुजरात के वाकयात और कुत्ता मार महम के हवाले से पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और रिमार्क दिए कि म्यूनसिपल अफसरान कुत्ता मार महम चलाने में नाकाम रहे हैं और अगर आप कोई वाकया पेश आया तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हिदायत देते हुए कि वो उस म्यूनसिपल ऑफिसर की तनख्वाह बंद कर दे और उसे सरप्लस कर दे। अदालत आलिया ने इस मौके पर इंतजार दिया कि आप जिस इलाके में कुत्ते काटने का वाकया पेश आएगा उस इलाके का MPA को मुअत्तल किया जाएगा। जिस पर वहाँ पर मौजूद सरकारी वकील ने कहा कि संघ गुजरात के वाकया से MPA का कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर अदालत आलिया ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमें पता है कि कुत्ता मार महम के हवाले से आने वाले फंड में से कैसे कमीशन दिया जाता है, हमारा मुना न खुलवाया जाए तो बेहतर होगा। अवाम का तहफ्फुज़ करना MPA का फर्ज है। आप जिस इलाके में वाकया पेश आएगा उस इलाके का MPA सेनेट इलेक्शन में अपना वोट भी कास्ट नहीं कर सकेगा। अदालत आलिया ने अहकाम जारी किए कि लोगों का तहफ्फुज़ हर सूरत यकीनी बना जाए। बाद अदालत ने समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। जी बहुत शुक्रिया इमदाद अली, आपने अपडेट किया।